आज आप सीखेंगे नथिंग बट का प्रयोग। क्या सीखेंगे? नथिंग और बट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। नथिंग बट का प्रयोग किसी वस्तु की अधिकता को दर्शाने के सेंस में करते हैं। कई बार आप हिंदी में इस तरीके के वाक्य बोलते होंगे, सड़क पर पानी ही पानी था, मेरे क्लास में लड़के ही लड़के हैं, उस बगीचे में पेड़ ही पेड़ हैं, है ना, करते हैं ना आप लोग, प्लेटफॉर्म पर भीड़ ही भीड़ है, इस तरीके के सेंटेंस बोलते हो। चलिए सीखते हैं अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इस तरीके के सेंटेंस को। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो सेंटेंस बोलना आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद इज वाज, इसमें से कोई एक यूज करते हैं टेंस के अनुसार। यदि था का सेंस आता है पास्ट में तो वाज यूज करिए, है का सेंस आ जाए तो इज यूज करिए, उसके बाद नथिंग बट का प्रयोग करिए, उसके बाद प्लुरल नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देयर प्लस इज वाज, इसमें से कोई एक, इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में है के लिए, वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में था के लिए, उसके बाद नथिंग प्लस बट यूज करिए, उसके बाद प्लुरल नाउन, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके प्लुरल होते हैं, जैसे बुक, बुक का बुक्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज होता है ना, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं। ऐसे नाउन के प्लुरल बनते हैं जिसको गिना जा सके, पानी को गिन नहीं सकते आप ना, इसलिए नहीं बनेगा उसका। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वाक्य सेंटेंस बनता कैसे है, कैसे हम प्लुरल नाउन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। बगीचे में फूल ही फूल थे, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग बट क्या थे, फ्लावर्स, देयर वॉज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास में लड़के ही लड़के हैं, देखिए है आ गया ना, इसलिए इज लग गया। देयर इज नथिंग, नथिंग के अनुसार इज लग रहा है, यहाँ पे लड़के देखा प्लुरल मत लगाइए। ठीक है, देयर इज नथिंग बट बॉयज, देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, देयर इज नथिंग बट बॉयज, लड़के ही लड़के हैं बट बॉयज इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, सड़क पर पानी ही पानी था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, देयर वॉज नथिंग कुछ नहीं था बट वाटर ऑन द रोड, सड़क पर पानी पानी था। नेक्स्ट सेंटेंस, उस गांव में दुकान ही दुकान है, क्या है, दुकान ही दुकान, देयर इज नथिंग बट शॉप्स इन दैट विलेज, देयर इज नथिंग बट शॉप्स इन दैट विलेज, है ना आसान, बहुत ही आसान है, There is nothing but shops in that village. Next sentence, उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, There is nothing but dark in that room. अब अंधेरे का प्लुरल नहीं होता ना, There is nothing but dark in that room. टेबल पर किताब ही किताब है, किताब को गिना जा सकता है इसलिए बुक्स लग सकता है, There is nothing but books on the table. There is nothing बट बुक्स ऑन द टेबल, देर इज नथिंग बट बुक्स ऑन द टेबल, है ना अंग्रेजी सीखना आसान, बहुत ही आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पेटीएम। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पर आप क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, और हाँ बेल आइकॉन घंटी को क्लिक जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन